आत्मविश्वास हीन होता है वो आडंबर के भरोसे जीने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्थिति में महर्षि दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी, अपने तर्कों से ये सिद्ध किया और उन्होंने बार बार बताया कि खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है, खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और विकृतियों से भर गए हैं। आप कल्पना करिए, एक ऐसे समय में जब हमारे ही वेदों के विदेशी भाषाओं को, विदेशी नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, उन नकली व्याख्याओं के आधार पर हमें नीचा दिखाने की, हमारे इतिहास को, परंपरा को भ्रष्ट करने के अनेक विध प्रयास चलते थे, तब महर्षि दयानंद जी के ये प्रयास एक बहुत बड़ी संजीवनी के रूप में, एक जड़ी बूटी के रूप में समाज में एक नई प्राण शक्ति बनकर के आ गए। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है, उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे।